वाकया सुनेंगे आप लोग। दो मिनट आप तवज्जो रखें, एक वाक्य। ख्वाजा सरकार नसीरुद्दीन चराग क्या कहना है, सुभानअल्लाह। सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग के दिल हर रात इबादत फरमाते, इबादत करके अल्लाह की बारगाह में गिरिया और इस कदर आंसू गिरते कि आपका तकिया मुबारक गीला हो। एक रोज आपके कमरे से रात को हंसने की आवाज आई, खुश खुशी की आवाज, तो आपकी माई साहिबा इरशाद फरमाती है कि बेटा नसीरुद्दीन आज की खुशी का सबब क्या है। तो मेरा सोना ख्वाजा इरशाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं माई साहिबा से कि माई साहिबा हर रात को मैं अल्लाह की बारगाह में अपने मुरीदों के लिए बख्शिश की दुआ करता हूं, आंसू इस कदर बहते कि मेरा तकिया गीला हो। आज की रात मेरे मदीने वाले सरकार और मेरे गरीब नवाज मेरे यहां तशरीफ लाए और मुझे हुक्म फरमाया, नसीरुद्दीन घबरा मत, तेरे सिलसिले में, तेरी औलाद के सिलसिले में जो भी बैठ होंगे अल्लाह सबकी बख्शिश फरमाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना कि जीरा का गौसे आजम हो, शाह जीरा हो या इंदर बनी हो, सब पर फैजान मौला अली है और उसी मौलाए कायनात जिसे लोग असदुल्लाह खालिक कहते हैं, इमामन मशाई के और मगारिब कहते हैं, जो नबी का दामाद भी है, नबी का भाई भी है, वो अली जो एक उंगली से खैबर का किला न चाहता, उसी अली की शान में शहजादे मनकबत पेश फरमाएंगे, माइक पेश करेंगे, नारा लगा रहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मोइनुद्दीन सानी सरकार, फैजाने फारूक सरकार।